जी ठीक ठाक। आज हम फैसल भाई के साथ, उस्मान भाई के साथ फैसलाबाद से आ रहे हैं। तो मुझे तो नहीं पता, हम बस पे बैठते हैं सीधा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फैसलाबाद। तो लेकिन फैसल भाई जो सफ़र तय करते हैं, आज फैसल भाई से पूछेंगे। आज का जो सफ़र है मैंने इनके साथ तय किया, वो मुझे ये था कि 5-स्टार होटल पे खाना खाऊंगा, मज़े का खाना खिलाएंगे, लेकिन इन्होंने मुझे कहाँ बिठाया। मैं आपको सिर्फ वो दिखाने के लिए मैं फैसल भाई से रिक्वेस्ट किया कि मैंने ये वीडियो ज़रूर बनानी है। तो पहली तो बात देखें, साइडों पे देखें बिल्कुल वीरान, ये वीरानियाँ देखें, कोई बंदा, वो कहते हैं ना बंदा ना बंदे दी ज़ात, तो ये सीन है। और इधर आके ये चारपाई है और ये छोटा सा डब्बा है, और यहाँ मुझे ये था सिर्फ चाय मिलेगी, लेकिन वो कह रहे भिंडी बनी है और मुर्गा बने हैं, तो उसे ही कहा है खाना बनाए। तो अभी बस खाना आने लगा है, तो फैसल भाई से बात करते हैं। फैसल भाई, नया पाकिस्तान का सफ़र आपसे पूछेंगे। आप तो हान साहब के बड़े पुराने साथी, हान साहब के साथ रहे माशाल्लाह, अब आपके जो बाल है वो सफ़ेद हो गए। हमने जब देखा काले बालों से, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ ये वाला सफ़र, मुझे बताइए आप कहाँ ले आए मुझे। देखिए पहले तो हसनैन आपका शुक्रिया, आप जो काम कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि 5-स्टार, मैं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेके जाऊँगा, ये आप ही नहीं मैं खुद भी ये जानते हैं। हम जब सफ़र करते हैं सबसे ज़्यादा 5-स्टार जो है ना वो ये जगह है, और इससे मिलते जुलते जितने होटल्स हैं, ये जो इसके स्टार गिनवाए हैं, इसके एंबियंस गिनवाए, सुकून है यहाँ। हाँ वही मैं बताने लगा, एट्रीब्यूट्स जो है इसकी क्वालिटीज़ में है, जो सुकून यहाँ पे है, जिस चारपाई पे है। मुझे याद है हम जब छोटे होते थे तो जब अब बिजली चली जाती थी गाँव में, तो छत पे फसील होती है ना, फसील के अंदर वो बाउंड्री के अंदर चारपाइयाँ बिछी होती, हम छत पे सोते थे, तो छत पे सोते थे और वैसा मौसम इतना कमाल का, तो वो दिन भी याद आते हैं और इस तरह यादें भी ताज़ा होती हैं। और ऐसी जगह पे जो सुकून होता है, और अभी रात के 3 बज रहे हैं जी, 3 बज रहे हैं, आपको खाना भी मिल रहा है और कमाल का खाना मिलेगा इंशाल्लाह, टेस्ट भी मज़े का होगा, टेस्ट भी ज़बरदस्त है, क्वालिटी भी है, और फिर साथ में ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है ये आपको किसी 5-स्टार में मिल ही नहीं सकता। जितने भी हम जलसे करते हैं ना, जब भी सफ़र पे होते हैं ना, कोशिश ही होती है कि खाना खाने के लिए किसी सुकून वाली जगह, ढाबा होटल हो, जहाँ की दूध पत्ती मज़े की हो, या आप ड्राइवर से पूछे किसी से, ड्राइवर जो होते हैं ना वो उनकी थकावट दूर ही ऐसी जगह पे होती है, क्योंकि इनकी चाय के अंदर खास कोई चीज़ है जो ड्राइवर के लिए होती है। हाँ ये सुना हुआ है कि थकावट दूर हो जाती है चाय से, लेकिन अब पता चला कि कौन से होटल से दूर होती है। तो हम सोचते थे कि जाएंगे किसी वो अच्छे रेस्टोरेंट पे बैठेंगे, लेकिन फैसल भाई ने जैसे कहा कि सबसे अच्छा रेस्टोरेंट ये है। फैसल भाई तो इवन कह रहे थे कि सुबह स्वाबी जाने इधर ही सो जाते हैं, एसी लगा हुआ है, मतलब ये बाहर की एटमॉस्फेयर है, कह रहे हैं एसी लगा हुआ है। फैसल भाई नया पाकिस्तान का सफ़र मैं तय कर रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता चला आपने जो नया पाकिस्तान का सफ़र तय किया वो मैंने नहीं था देखा हुआ, आज मुझे पता चल रहा है कि आप कौन सा नया पाकिस्तान का सफ़र तय करके आए हैं। तो मुझे अब नया पाकिस्तान का सफ़र बताएं, खान साहब के साथ कैसी खान साहब कैसी जगह पसंद करते हैं। खान साहब भी बड़े, आपको पता है वो तो देसी खाने उन्हें पसंद है, ऑर्गेनिक खाने पसंद है उनको, ये फरंगी खाने नहीं पसंद, और ना ही वो फरंगी इम्पोर्टेड हुकूमत के कायल हैं, और वो जो है पाकिस्तान, असल पाकिस्तान का ही है, और किसी इम्पोर्टेड चीज़ को पसंद नहीं करते। देखिए जबरदस्त खाना खाना आ गया। अच्छा तो उस्मान साहब, हाँ जी सर, इसमें खान, इसको रख देना जरा इधर, रखिए इधर रखना, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ, तो उस्मान साहब के पास ये अचार नहीं मिलता कहीं पे भी, हाँ ये वाला जो अचार है ना, चलो ये नहीं मिलता। तो उस्मान भाई बताएं आप जी, उस्मान भाई। अच्छा देखिए मैं आपको बताऊँ ना जी, जो असल में जैसे आपने कह रहे हैं ज़िंदगी जो है ना जी, वो फितरत के करीब, फितरत के आप जितना करीब रहेंगे ना, तो वो ज़िंदगी में आपको मज़ा आएगी। जो आर्टिफिशलिटी आ गई ना हमारी ज़िंदगी के अंदर, एक मसनूईपन आ गया है। अब देखें ये कितना ज़बरदस्त खाना है इस ढाबे के ऊपर, वाह कितना मज़े का। और ये मैंने खास तौर पर हरी मिर्च खाने के साथ, हरी मिर्च हो तो कमाल। मैं बताऊँ आपको, ये जो डिश है ना जी, चिकन के अंदर आलू, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये जो नेचुरल एक चीज़ है ना जी, ये आपको प्योर देसी माहौल में मिलेगी, कि जो चिकन है उसके अंदर आलू हैं। और ये मैं आपको बताऊँ, मैंने खाया नहीं, लेकिन मैं आपको आई कैन बेट ऑन इट कि ये इसका टेस्ट आपको हमेशा याद रहेगा, इसका अच्छा था ग्रेवी का टेस्ट होगा। ठीक है, अच्छा फैसल भाई
खाना शुरू माशाल्लाह करें आप। फैसल भाई मुझे एक दो और चीज़ बताएं, कोई ऐसा यादगार लम्हा जब आप खान साहब के साथ सफ़र कर रहे हो और आप इस तरह के ढाबे पे रुके हो, या कोई ऐसी बात यादगार? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी ऐसे मौके रहे, मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, हम थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं, फिर आके खाना खाएंगे, करते हैं, खाना भी खा लेते हैं, फिर बातचीत भी करते हैं। ओके, चलें जी, खाना शाना खा लिया, अब ये ढाबे की चाय। फैसल भाई मैंने आपसे पूछा कोई यादगार लम्हा, कोई यादगार सफ़र, या कोई ऐसी यादगार चीज़ खान साहब के साथ जो ऐसे ढाबे पे हो, या कोई भी यादगार चीज़ बताएं। अक्सर हुआ ये 2011 के बाद, जो 2013 में इलेक्शन कैंपेन में तो बहुत ज़्यादा बाई रोड सफ़र किया करते, तो उसमें अक्सर जब इसी तरह ढाबे पे रुके, ये जो है लाला मूसा में दाल खाने रुके, और एक जगह चाय पीने हम रुके थे, और देखा है इमरान खान साहब भी ना, वो भी बड़ा ऐसा देसी पान को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, तो अक्सर हुआ है ऐसा रात के 3:30 बज रहे हैं इसलिए सर तो हुआ है ऐसा। और दूसरी चीज़ ये हुई कि जो क्वेटा में 2012 में जलसा था, तो हम 2-3 दिन पहले वहाँ गए, तो वहाँ पे खान साहब हमें रात को तकरीबन 10 बजे कहते हैं जी मैं अब आपको खाना खिलाने लेके जा रहा हूँ। खान साहब कहते हैं? हाँ, खान साहब ने कहा जी, 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 ये हैरत गेस आपने बात की, क्योंकि आज वो वकला का बुलाया था, एक चाय कप रखा था, वो कह रहे थे कि आप नहीं, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने फिर तो मुश्किल से बिस्कुट भी नहीं मिलते, लेकिन ये है कि वो लेकर गए क्वेटा, वहाँ पर एक दूर किसी जगह हमें अपने दोस्त की तरफ लेकर गए, और वहाँ पर हमने वहाँ कबायली जो क्वेटा का एक ट्रेडिशनल खाना है वो हमने इधर खाया, पता नहीं नाम याद नहीं है, लेकिन हमने वो खाया, क्या मज़ा, तो वो यादगार खाना था। हाँ, मेरे ख्याल ब्रारू लग भी हमारे साथ थे जी। ठीक है, अच्छा फैसल भाई ये बताएं, ये मीडिया पे ये भी कहा जाता है खान साहब बड़े दरवेश टाइप हैं, हम तो नहीं मिले हुए, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, ये कहा जाता है कि खान साहब बड़े दरवेश टाइप इंसान है, बड़े आजिज पसंद इंसान है, तो आपने आज तक खान साहब को कैसा पाया? पहले तो ये इंशाल्लाह कल नहीं, आज मिलेंगे आप, आज आज तारीख बदल चुकी है। और दूसरा ये खान साहब बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी के अंदर देखे ना, अल्लाह ताला ने उन्हें क्या चीज़ नहीं दी, हर चीज़ दी है, शोहरत दी है, दौलत दी है, वो अगर वो ज़रा सी भी तबीयत में उनकी बनावट होती तो वो ये लग्जरी इन्जॉय करते चीज़ों में, उन्हें क्या पड़ी थी, तक वो एक किस्म की बहुत ज़्यादा उनको ना एक जद्द जो है इस मुल्क के लिए का, तो वो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ही आ गया, और उनके क्रिकेट के हमें पुराने साथी बताते हैं कि वो क्रिकेट के ज़माने में भी इसी किस्म के थे, वो काफ़ी ज़्यादा वो लशपश में या उसमें बिलीव नहीं करते थे, और सादगी पसंद थे, ये बहुत बड़ी उनकी कमाल बात है। तो दरवेश है, वो मलंग है, दरवेश है, लेकिन गुस्सा भी बहुत करते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। तो आज हम आए थे फैसल भाई के साथ फैसलाबाद से वापसी जाते हुए, तो यहाँ एक ढाबे पे रुक के खाना खाया, चाय पी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुझे जब मैं गाड़ी पे बैठा, मुझे ये था कि हम कहीं जाएंगे अच्छे रेस्टोरेंट पे, शनवाड़ी पे, या कहीं भी जाएंगे जो ये मोटरवे पे आती हैं, लेकिन फैसल भाई हमें यहाँ ले के आए, और मुझे यकीन करें आइडिया ही नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इधर आऊँगा। सो खाना भी बहुत मज़े का, फैसल भाई खाना क्या बता दें? ओए होए होए होए, देखिए जी मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत अरसे बाद ऐसा खाना खाया, बहुत अरसे बाद, और भिंडी खा के मुझे अम्मी की याद आ गई, मेरी अम्मी को फौत हुए अभी 2 साल हुए, तो वो जो भिंडियाँ बनाती थी ना, आए हाय हाय हाय, और इसी तरह हम चारपाई पे छोटे होते चारपाई पे बैठ के खाते थे, साथ अम्मी प्याज भी मोटा मोटा प्याज काटती थी, और हरी मिर्च और लेमन नहीं दिया वैसे आपने, लेकिन वो जो भिंडी, तो वो मेरी अम्मी के हाथ का जो खाना उसका टेस्ट आया यहाँ पे, तो फिर इससे ज़्यादा बड़ा कमेंट हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा किसी खाने की तारीफ हो नहीं सकती। और जो घर का खाना बाहर जा घर के खाने का मज़ा आ जाए तो फिर क्या ही बात है, फिर क्या ही बात है। ये है नया पाकिस्तान का सफ़र, इंशाल्लाह ऐसे सफ़र मज़ीद और तय होंगे फैसल भाई के साथ, उस्मान भाई के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।